आप पहचानना इनमें से कौन सी गाड़ी, लेकिन भाई ये देखो ठीक राजपूताना क्या तगड़ी लग रही है ना गाड़ी, जीप है वैसे ये। तो गाइस मैं तो आपको ये बताऊंगा कि ये वाला डब्बा आप कभी मत लेना। आप अपनी स्कूटी को साफ करने के लिए कोई से कपड़ा का यूज कर सकते हैं, बाकी मैं तो इस कपड़े का यूज करता हूँ। तो गाइस अभी नाइट हो चुकी है और अभी हम आ चुके हैं होटल के अंदर, तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइस अभी खाना वाना खा लिया है जो भी खाना था, बस अब गाड़ी को पार्किंग से निकालेंगे और सीधा चलेंगे घर की तरफ। तो चलिए चलते हैं, बस थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं। और आप पहचानना इनमें से कौन सी गाड़ी, लेकिन भाई ये देखो ठीक राजपूताना क्या तगड़ी लग रही है ना गाड़ी, जीप है वैसे ये, और कुछ नहीं है, बस टायर वायर चेंज करा रखे अपनी गाड़ी, देखो वो खड़ी। तो गाइस अपने पास कोई कंटेंट तो है नहीं, बस ब्लॉग को थोड़ा बड़ा करने के लिए आज आप होटल का व्यू दे देते हैं थोड़ा। तो भाई ये देखो सामने पार्किंग है और ये कुछ शॉप है जिन पे आप कुछ भी ले सकते हो। से हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और आज नेक्स्ट डे भी है, कल रात को होटल होटल जाके आया था, उसके बाद में बस अब ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई रात को तो क्या 2-3 बजे थोड़ी बनाता। तो भाई आपको एक चीज़ दिखानी, जो कि मेरी स्कूटी, इसकी मैं कंप्लीट सर्विस करा के लाया था, तो आप कुछ इसके कुछ सब इसके बारे में बताया तुम, और थोड़ा सिनेमेटिक भी देख ले। तो गाइस चलिए मैं आपको अपनी कुछ जो मेरी एक्टिवा 5G है इसके आपके बाद सर्विस हुई है वो एक नंबर हुई है। मेरे को थोड़ी यहाँ पे वाइब्रेट की प्रॉब्लम थी इसके अंदर से, थोड़ा मतलब अपन जैसे पिकअप कर मतलब यहाँ से थोड़ा एक्सलेट करते थे ना, मतलब 2-5 की स्पीड में इसको पिकअप देते थे, तो भाई यहाँ से वाइब्रेशन की आवाज़ आती थी। वो कैसे आती है अब वो मेरे को भी नहीं पता, काफ़ी दिन से मेरे को पता नहीं था, लेकिन भाई मैंने जैसे उनको ये प्रॉब्लम बताई तो भाई उन्होंने हैंड टू हैंड इसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। और ये देख सकते हो भाई आप स्कूटी तो बड़े चमका के दी है, चमकाते हैं भाई सर इसके अंदर चमका देते हैं और थोड़ा ऑयल ऑयल चेंज कर देते हैं, ऑयल यहाँ से चेंज होता है आप सभी को पता है। और ये सुजुकी की स्कूटी नहीं है, होंडा की है, ये सुजुकी का लोगो तो मैंने ऐसे ही लगा रखा है, मेरे पास पड़ा था। बाकी साइड से आप देख सकते हैं कुछ ऐसी है मेरी स्कूटी, और ये एक्टिवा 5G मॉडल है आप देख सकते हैं। और मेरी स्कूटी अभी इतनी चल चुकी है 5279 किलोमीटर, और ये अपना चाबी का एनालॉग कुछ ऐसा है। बाकी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब थोड़ा अटक जाता है ना कई बार ये, तो इसमें ऑयल डाल लगा करो, और ब्रेक व्रेक टाइट कर ही देते हैं ये देखो बढ़िया। तो भाई मैं तो काफ़ी सेटिस्फाई हूँ होंडा की सर्विस से। गाइस अभी मैंने स्कूटी सर्विस कराई है, तो भाई अभी नई नई है, तो इसको नई रखने के लिए भाई आप जब भी सर्विस करा के लाओ अपनी किसी भी चीज़ की, तो भाई उसके ऊपर बस डेली एक बार कपड़ा मार देना, आपकी स्कूटी या मोटरसाइकिल जो भी है वैसी की वैसी ही रहेगी, मतलब थोड़ी बहुत नीचे से तो गंदी होगी भाई चलेगी, तो बाकी आप इसके ऊपर साइड में मार सकते हैं, क्योंकि भाई मोटरसाइकिल के ऊपर तो फिर भी इतना जो नहीं आता है मेटल, लेकिन इसके ऊपर तो चारों तरफ मेटल और प्लास्टिक ही आता है, मेटल प्लास्टिक की बॉडी होता है आपको सभी को पता है, तो भाई इसका थोड़ा केयर करना और ज़रूरी है। आप अपनी स्कूटी को साफ़ करने के लिए कोई से कपड़ा का यूज़ कर सकते हैं, बाकी मैं तो इस कपड़े का यूज़ करता हूँ जो कि बिल्कुल सॉफ्ट है और इसको निशान नहीं देता। चलिए कर लेते हैं अपन। तो गाइस चलिए आज आपको दिखाते हैं कैडबरी सेलिब्रेशन रिच ट्राइफूड कलेक्शन, इसके अंदर आता क्या है, चॉकलेट तो नहीं आती है, खोल लेते हैं। ये वैसे मैंने पहले ही अनरैप कर लिया है, थोड़ा सा खा भी लिया है, लेकिन भाई ये देखो इन तीनों में तो कुछ नहीं आता है, और इनके 500 रुपये ले लिए कचरा, ये तो पूरा देखो गोलियाँ होंगी ये चॉकलेट की, खा के देखता हूँ। हाँ
चॉकलेट की गोलियां हैं और कुछ नहीं है। तो गाइस मैं तो आपको ये बताऊंगा कि ये वाला डब्बा आप कभी मत लेना। तो गाइस अभी मेरे को आपको यही दिखाना था एक्टिवा 5 मतलब एक्टिवा के बारे में, मेरी एक्टिवा के बारे में सर्विस होके आई थी, तो थोड़ा सर्विस का रिव्यू करना था। तो चलिए इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे न्यू ब्लॉग न्यू कंटेंट के साथ। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।